अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन शोरबा। मटन शोरबा की रेसिपी जो कि विंटर स्पेशल है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये सर्दियों में भी, गर्मियों में तो हम लोग जो है वो शोरबे वगैरह पसंद करते हैं, लेकिन सर्दियों में जो मटन का शोरबा होता है उसका तो अपना ही मज़ा आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में आधा किलो मटन डाल लिया। उसके साथ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक गट्ठी लहसुन और एक मीडियम साइज़ का मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिया। अब इसमें जाएगी खड़े मसाले, जिसमें दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची और थोड़े से स्पाइसेस मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें नमक, हल्दी और इसमें जाएगी लाल मिर्च। डाल के हम कुकर को, प्रेशर कुकर को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट लगाया था। आप देख लें कि आपके पास जो गोश्त पड़ा हुआ है वो या तो एक हफ्ता तक पुराना यानी कि फ्रीज़ हुआ है या फिर फ्रेश है। उसके अकॉर्डिंग आप प्रेशर को जो है लगा लें और गोश्त को गला लें। साथ ही मैंने इसमें जो है वो शामिल कर दिया, दही ले लिया, सॉरी दही मैंने लिया आधा कप। उसमें मैंने शामिल किया नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने डाला है देसी घी, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। देसी घी शामिल किया। देसी घी डालने के बाद इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत शामिल की हैं और 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसको मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद मैंने जो दही मैंने जिसमें स्पाइसेस ऐड किए थे वो शामिल कर दूंगी और चम्मच को मसलसल चलाते रहूंगी। अब मैं दही को तब तक कुक करूंगी जब तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए और ये एक मसाला या जो हम बनाते हैं ना ग्रेवी उसकी शक्ल ना इख्तियार कर ले। तब तक मैं इसको कुक करूंगी और चम्मच हिलाते हुए ही मैं इसको पकाऊंगी, चम्मच छोड़ के नहीं पकाऊंगी। देख लें आप, पानी जो है वो इसका ड्राई हो गया। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे, पानी भी ड्राई हो गया और इसने मसाले की शक्ल इख्तियार कर ली थी। यहाँ पर तकरीबन मैंने 10 मिनट जो वो मटन को मैंने गलाने के लिए लगाए थे वो मैंने मटन गाल गया था। उसमें थोड़ा सा जो पानी बचा था वो भी इसके साथ ही शामिल करूँगी और साथ में इसके हर मसाला जो है वो मैंने सारे का सारा शामिल कर दिया। अब मैं तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि हमारे जो इसमें हमने प्याज टमाटर वगैरह डाले थे वो जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन यह है कि जब हम उसकी भुनाई करें तो वो बिल्कुल अंदर से मैश हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको हमें जो है वो गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टमाटर का आपने जो छिलका है वो आपने रिमूव कर लेना है। तो बस यहाँ पे आप इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे और यहाँ पे जाएगी इसमें 1 इंच का, मैंने 1 इंच जो अदरक का टुकड़ा लिया था उसको मैंने अच्छे से कूट लिया, वो शामिल कर दूँगी इसमें। वो शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छे से कर लूँगी बुनाई। बुनाई करने के बाद जब आपका मटन जो है वो अच्छे से भुन जाए, आप देख सकते हैं कि ये इसकी बुनाई करते हुए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है और ये कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आपने गोश्त को गलाना बहुत अच्छे से, लेकिन इतना गलाना है कि बोटी के ऊपर से जो है वो सॉरी हड्डी के ऊपर से जो बोटी जो स्किन होती है उसका जो कह लें हम मीट होता है वो ना उतरे, तो बोटी के साथ ही रहे। उससे ये होता है कि दिखने में अच्छा लगता है, फिर शोरबे में भी अगर हम वो बोटी रखें तो वो पूरे की पूरी रखें तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको अच्छे से भुना था 10 मिनट तक। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी। पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लें। अगर आपको शोरबा, मैं तो शोरबा ही बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में शामिल किया है। और फिर मैंने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम में पकने के लिए छोड़ा था 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी उसका बिल्कुल वैसे का वैसे ही, अब कोई भी ड्राई पानी नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको दम वाली फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ा था, ताकि चिकन में जो कसर है वो भी, मटन में सॉरी जो कसर रह गई है वो भी सारी इसमें हो जाए। और साथ में फिर मैंने इसको दम पे छोड़ दिया। 10 मिनट दोबारा मैंने इसको दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको ये देख सकते हैं हमारा जो मटन है वो भी अच्छे से कुक हो गया है, शोरबा भी अच्छे से पक गया है। अब मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ करूँगी, मीडियम आँच करूँगी इसकी, और फिर मैं इसको इसमें शामिल करूँगी धनिया, फ्रेश धनिया, और साथ ही इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा कुटा हुआ गरम मसाला या फिर आप ज़ीरा पाउडर जो भी आप शामिल करना चाहें कर सकते हैं। शामिल करने के बाद आँच को मैं फुल एक दफ़ा तेज़ करूँगी और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे कुक करूँगी धनिया और गरम मसाला डालने के बाद। उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी फ्लेम को। जब हमारा 2 मिनट धनिया और वो गरम मसाला डालने के बाद 2 मिनट तेज़ आंच पे कुक करने के बाद मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ करूँगी। 1 मिनट के लिए मैं दम पे छोड़ दूँगी ताकि जितनी भी इसकी तरी जो ऊपर होती है ना वो ऊपर आ जाए अच्छे से।
आ तो गई है, लेकिन एक दफ़ा जब हम इसको 1 मिनट भी देते हैं ना किसी भी शोरबे वाली हांडी को, तो उसकी तरी बड़ी ज़बरदस्ती ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे अब डिश आउट करने का टाइम है, डिश आउट करते हैं और ज़बरदस्त सा जो शोरबा है वो इंजॉय करते हैं। आप चावलों के साथ इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ या नान के साथ, जैसे आपको पसंद है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंची। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, आप बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपने मेरी कौन सी रेसिपी ट्राई की है और वो आपको कैसी लगी है। तो बस यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रही थी, ये देख सकते हैं आप, शोरबा भी बड़ा अच्छे से कुक हुआ है। और मैं आपको बोटी भी उठा के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा गोश्त गल गया हुआ है, लेकिन हड्डी से नहीं उतरा, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, पकड़ने से ही वो उसकी जो बोटियां हैं वो सारी अपनी जगह से हिल गई हैं, इस तरह से वो पका हुआ है। तो ये देखें, बहुत टेंडर है। थैंक यू।